ढाका के एक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के विरोध में बिहार नवयुवक सेना के प्रदर्शन आज मोतिहारी के चरखा पार्क के पास हुआ। बिहार नवयुवक सेना के ने कहा कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का कार्य करे, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। 6 साल की बच्ची का क्या दोष था? हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इस बात पर हम लोग लड़ लेते हैं, लेकिन आज के समय में हमें इस बात पर कभी नहीं लड़ना चाहिए कि हम हिंदू हैं और तू मुसलमान है। धर्म मायने अभी नहीं रख रहा, अभी मायने रख रहा है कि अपनी बेटी बहन का इज्जत कैसे बचे, कैसे बचे। आज के डेट में एक एक लोग जो है यही सोचता है कि हमारी बेटी बहन का इज्जत बचे, हमारी बेटी बहन पढ़े लिखे आगे बढ़े, समाज में नाम रोशन करे, लेकिन ऐसे ऐसे हैवान जो बेटी बहन की इज्जत को तार तार करेंगे, तो कैसे हम लोग अपनी बेटी बहुओं को बाहर निकालेंगे, कैसे एक छोटी बच्ची जाएगी स्कूल पढ़ने जाएगी, कैसे कोई निकल के मार्केट जाएगा, कैसे किया जाएगा। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन कानून अगर है, अगर देश में लोकतंत्र है, अगर देश में लोकतंत्र जिंदा है, तो हम उसी कानून व्यवस्था से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसका जो गिरफ्तार हुआ आरोपी उस पर स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल किया जाए और उसको तुरंत अविलंब कम से कम फांसी की सजा, उससे कम कुछ नहीं। आप लोग मंजूर, आप लोग साथ है ना, एग्री है ना, पूरा चंपारण इस बात पर एग्री है, पूरे चंपारण के नौजवान किसान मजदूर एक एक चंपारण वासी एग्री है कि बलात्कारियों को फांसी से कम कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पता है 2014 में बिहार में 1800 बलात्कार हुए, बलात्कारियों का संख्या उसके बाद 15 में 1200, 2016 में 874 बलात्कार हुए, 2017 में 900 के आसपास बलात्कार हुए, 2018 में 1200 बलात्कार हुए, 2019 में अभी तक 965 के आसपास बलात्कार हो गए हैं। अगर पॉस्को एक्ट है, अगर कानून व्यवस्था है, अगर उस पर उसको सजा दिलवाने का काम किया जाता है सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो फिर यह बलात्कार क्यों होता है? एक बलात्कार होता है और उस दोषी को अगर सजा नहीं देती है सरकार, व्यवस्था, कानून, तभी जा करके दूसरा बलात्कार होता है। अगर एक बलात्कारी को अगर कानून व्यवस्था सरकार अगर कड़ा से कड़ा सजा दे दे और बलात्कार साबित होने के बाद अगर उसको 100 घंटे के अंदर फांसी पर चढ़ा दे, तो मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि दूसरा किसी का हिम्मत नहीं होगा किसी की बेटी बहन के साथ टीचर के साथ खेलने का, किसी का हिम्मत नहीं होगा। कि सरकार को तो वोट चाहिए, सरकार को तो वोट से मतलब है, सरकार को तो जनता के बेटी बहू के टीचर से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्यों हम वोट दे रहे हैं, सरकार को क्यों सरकार हम चुन रहे हैं।